अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, क्लास में जा रही हूँ। तुम न जाने कहाँ रहती हो, कुछ पता भी है आज वहाँ क्या हो रहा है? ये क्या जाने बेचारी, इसे पढ़ने से भी अवकाश मिले। ये भी उसी के समान है। अजी, उसकी सहेली। कुछ बताओगी भी या यूं ही हंसी उड़ाती रहोगी? ओहो ओहो, मेरी रानी, क्रोध करना भी जानती हो। भाई मैं चली, मैं तुम्हारी तरह हंसी मजाक में समय खोना नहीं जानती। मुझे काम करना है, परीक्षा सिर पे आ रही है। जी हाँ, जैसे परीक्षा आप ही को देनी है। मालती जी, क्रोध ना करिए, आइए हमारे साथ चलिए। पर कहाँ, कुछ बताओगी भी? हॉल में। वहाँ क्या है? चलो तो पता लग जाएगा। हाँ, तुम्हारी कुछ हानि हो तो हमें दोष ना देना। अच्छा भाई, चलो, तुम्हारी जैसी इच्छा। हाँ, अब ठीक ठीक बात कही है। आओ जल्दी करो, मुकदमा शुरू होने वाला है। मुकदमा कैसा? तुम निर्मला को जानती हो? निर्मला जो 8वीं क्लास में पढ़ती है? हाँ वही निर्मला, उपनाम तोती, उपनाम भीमसेनी। भाई तोती नाम का तो मुझे भी पता था, ये भीमसेनी क्या है? ये भीमसेन से बना है, पर अब चुपचाप इधर आ जाओ, लगभग सारा स्कूल यहाँ जमा हो रहा है। शांत हो जाओ, क्या करती हो, बैठना सीखो। हाँ अब आप कहिए कुमारी सुलेखा। जी, मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है। इसका नाम क्या है? जी, इसके माता पिता ने इसका नाम निर्मला रखा है। वैसे हम इसे भीमसेनी और तोती भी कहते हैं। शांत शांत, मैं समझी नहीं, भीमसेनी क्या नाम है? जी, भीमसेन बहुत बलवान थे ना, इसी प्रकार ये भी बहुत बलवान है। अब मैं समझी, बेटी निर्मला, ये सब तुम्हारी हंसी उड़ा रही हैं। ये बुरी बात है, परंतु बेटी क्या करूं, हंसी मुझे भी आ रही है, तब इन्हें क्या कहूं? देखो ना, तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे हाथ पैर सीख सलाई से हो रहे हैं, तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई हैं। कभी शीशा देखती हो? चोटी करते समय तो देखती ही होगी। जी। फिर ये क्या हाल है, घूमने जाती हो? जी नहीं, जो वक्त सैर करने का है वही पढ़ने का है। खेलती हो? जी नहीं। घर का काम तो करती होगी? जी, समय ही नहीं मिलता। समय ही नहीं मिलता, आखिर क्या करती रहती हो? जी पढ़ती हूँ। इसकी माँ कहती थी अक्सर रात को उठकर सोते सोते पाठ रटने लगती है। इतना पढ़ती है? पूछो ना जी, स्कूल में भी आकर आंखें नहीं उठाती, आधी छुट्टी की घंटी में भी इसके हाथ में किताब रहती है। जब कभी कोई सहेली बाहर बुलाती है तो कह देती है, ना बहन मुझे तो पाठ याद करना है। ना कभी पिकनिक पर जाती है और ना कभी यात्रा पर। पढ़ना तो बहुत अच्छा है निर्मला, तुम इतना पढ़ती हो, तुम्हें तो अपने सब पाठ याद होंगे। पूछ कर तो देखिए। जी मुझे सब कुछ याद है, आप जो चाहे पूछ लें। भूगोल पढ़ा है? जी, सारी दुनिया का याद है। पेरिस जानती हो कहाँ है? पेरिस अमेरिका की राजधानी है, दुनिया का सबसे बड़ा नगर है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, यहाँ फैशन का जन्म होता है, और ये टेम्स नदी के किनारे पर है। शांत शांत। हाँ तो निर्मला, हिमालय पहाड़ कहाँ है? इंग्लैंड में। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? विंध्याचल, ये भारत के उत्तर में है, ये भारत के लिए बड़ा लाभदायक है, उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता, इसके कारण वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कटक, ये समुद्र के किनारे है, यहाँ मछलियों का व्यापार होता है।
शांत शांत कुमारी सुलेखा, आप इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखती जाइए। निर्मला ने बड़ी योग्यता से सब कुछ याद किए हैं। कितनी फुर्ती से बोलती है। जी मैं सब कुछ लिख रही हूँ। जी ये सब लड़कियाँ मुझे देखकर हंस रही हैं। इन्हें मना कर दीजिए, ये हमेशा मुझे इसी तरह चिढ़ाती हैं। नहीं ये बुरी बात है, जो लड़की हंसी नहीं रोक सकती वह उठकर चली जाए। जी हंसी की बात पर भी हंसी ना आए, ये कैसे हो सकता है। मैं हंसी की बात करती हूँ, पढ़ना हंसी की बात है। इतना पढ़ती हो तो तुम फेल क्यों हो गई? वो मैं क्या जानूं? बहन जी जाने ये सब मुझसे इतनी चिढ़ती हैं कि। शांत हो जाओ, कोई लड़की बीच में ना बोले। और निर्मला तुम भी उनसे बात ना करो। जी वे मुझे छेड़ती हैं। अब कोई नहीं छेड़ेगा। हाँ तुमने इतिहास पढ़ा है? जी हाँ, भारत का सारा इतिहास मुझे याद है। भारत के आदिवासी कौन है, उनके बारे में तुम क्या जानती हो? भारत के आदिवासी आर्य हैं। इनका रंग काला होता है, नाक चपटी और कद ठिगना, इनकी आंखें चमकती हैं। निर्मला होश में हो? जी जी जी, सब मेरे दुश्मन हैं, सब मुझे गिराना चाहती हैं। मैं इतना पढ़ती हूँ। निर्मला इधर आओ, इधर आओ। हाँ बेटी, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। जी जी मैं तो। अब शांत हो जाओ, विश्वास रखो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि तुम स्वस्थ प्रसन्न और होशियार बनो। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ। पर गलत रास्ते से। देखती नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तुम सदा चिड़चिड़ाती रहती हो। तुमने आज एक भी सवाल का ठीक उत्तर नहीं दिया। मैं ऐसी लड़कियों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम सदा याद रखो। कुमारी सुलेखा, मैंने तुम्हारी शिकायत की पूरी खोज कर ली है। यद्यपि मैं तुम्हारे बर्ताव से संतुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारी बात ठीक है। मैं निर्मला को दोषी ठहराती हूँ। मैं उसे आज्ञा देती हूँ कि 3 महीने तक किताबों की सूरत ना देखे, अपनी सब किताबें मेरे पास जमा कर दे और इस अरसे में वह किसी पहाड़ी पर जाकर रहे। शांति, पहाड़ से लौटकर निर्मला को 1 घंटा घूमना और 2 घंटे खेलना होगा। इसी शर्त पर वह स्कूल में रह सकती है। अब स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहा है, मैं शिमला जा रही हूँ। निर्मला चाहे तो वो मेरे साथ चल सकती है। मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। अवश्य ले चलूंगी। जाओ अब शांत होकर घर जाओ।